Hello friends. वेलकम बैक टू माय चैनल क्योंकि रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज क्योंकि रेसिपी पर मैं आप सभी लोगों के साथ इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या सामान लिया है तो मैंने यहाँ पे चावल और दाल लिया है दाल इसे धोई और उड़द दोनों की ही दाल कहते हैं इसे मैंने धुल के अच्छे से चार घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया चार घंटे बाद दाल और चावल अच्छे से फूल चुके हैं और अच्छे से इसे धुल के भिगाइएगा क्योंकि इसी पानी का यूज़ हमें इसे ग्राइंड करने के लिए करना है तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से धुला है तो बस पानी बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है थिकनेस बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं चाहिए इसे हल्का दरदरा ही रखिएगा आप लोग बस मैंने दाल को भी ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में दोनों को सेफ्ट कर लेंगे दोनों पेस्ट को नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो और बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं चाहिए ये जितना मैंने रखा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है स्पंजी इडली बनने के लिए दोनों पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद इसे आठ घंटे के लिए छोड़ देंगे खमीर उठने के लिए और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बिना इनो और सोडा के खमीर कितना अच्छा उठा हुआ है अब आप लोगों को चाहिए इडली स्टैंड मेरे पास कढ़ाई वाली इडली स्टैंड है तो मैं इसमें पानी भर के रख दूँगी गर्म होने के लिए और तब तक मैं खाँचों में अच्छे से ऑइलिंग कर लूँगी इसके बाद इसमें इडली का जो बैटर है वो फिल करेंगे और पानी गर्म हो रहा है एक साइड में तो बैटर को फिल करने के बाद हम इसे गर्म पानी के ऊपर रख देंगे रखते टाइम आप गैस का फ्लेम हाई रखिएगा पाँच मिनट तक 5 मिनट बाद आप गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिएगा एक बैच इडली कुक होने में दस से बारह मिनट का समय लग सकता है और यहाँ पे मेरी इडली कुक हो चुकी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो बस मैंने इडली को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे नाइफ़ और स्पून की मदद से आप निकाल लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से इडली निकल जाती है और आप लोग देख सकते स्पंजी इडली रेडी है बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी तो आप लोगों को ये मेरी ये इडली की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग मी